वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए सभी राजनीतिक दलों के सांसदों ने मिलाया हाथ। वायु प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने और इसके बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए माननीय संसद सदस्यों के लिए गुरुग्राम में 2 दिवसीय क्लीन एयर वर्कशॉप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। वर्कशॉप की मेजबानी पार्लियामेंटेरियंस ग्रुप फॉर क्लीन एयर द्वारा की गई और PGCA के सचिवालय के रूप में कार्यरत स्वानिधि इनिशिएटिव द्वारा वर्कशॉप के आयोजन के लिए सभी सुविधाएं प्रदान की गई। वर्कशॉप में सभी सांसदों द्वारा कंपेडियम ऑन एयर पॉल्यूशन लॉन्च किया गया। माननीय सांसद लोकसभा और PGCA के संयोजक गौरव गोगोई का कहना है कि हम वास्तव में माननीय संसद सदस्यों को क्लीन एयर वर्कशॉप में एक साथ आने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वायु प्रदूषण का खतरनाक स्तर हमारे देश के लिए एक बढ़ती हुई चिंता का विषय बन रहा है और अब समय आ गया है कि हम एक साथ मिलकर इस समस्या को दूर करने के लिए काम करें। वर्कशॉप में लोकसभा सांसद और PGCA के संयोजक गौरव गोगोई सहित लोकसभा के कई अन्य सांसद और PGCA के अन्य सदस्य जैसे कि प्रद्युत बोरदोलोई, हसनैन मसूदी, श्याम सिंह यादव, डॉक्टर वीरास्वामी कलानिधि, सुजीत कुमार, श्री जगन्नाथ सरकार, डॉक्टर महुआ माझी, इंद्र हैंग सुब्बा आदि भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि वर्कशॉप में सभी माननीय सांसदों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और CII शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन और टेरी के विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञों की उपस्थिति में विभिन्न विषयों पर चर्चा के दौरान अपने विचार साझा किए। सर, ये 2 दिन का जो कार्यशाला हुआ है, इससे क्या रिजल्ट आपके हिसाब से निकल के सामने आ रहा है? देखिए, हमने आज से 5 साल पहले एक संसदीय गुट का हमने स्थापना की जो सिर्फ वायु प्रदूषण पर ध्यान देता है। और जब हमने शुरुआत की तो हमने देखा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो राजनीति से ऊपर है और क्षेत्र से ऊपर है। और हमने पिछले 2 दिन के कार्यशाला में देखा है कि वायु प्रदूषण सिर्फ दिल्ली की समस्या नहीं है या उत्तर भारत की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या बन चुकी है। हमने देखा कि किस प्रकार से मुंबई में आज वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, गुवाहाटी में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, चेन्नई में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। और हमने 2 दिन के कार्यशाला में ये भी सीखा कि हर शहर की और हर क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं हैं। तो कहीं इंडस्ट्री को लेके वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, कहीं कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, कहीं जंगल में जलाने के लिए या लोग चूल्हा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए वायु प्रदूषण, इंडोर वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इसलिए हर क्षेत्र की समस्या अलग है और इसलिए समाधान भी अलग है। तो लोकल लेवल जो कंसल्टेशंस होने चाहिए, ये बहुत ही एक अहम सुझाव निकला और यही हमारी आने वाले समय में रणनीति रहेगी कि हर सांसद एक हमने कंपेंडियम एक टूल किट बनाया है जिसमें यह सुझाव दिया गया कि हर सांसद अपने अपने क्षेत्र में वहाँ के लोकल इंडस्ट्री, लोकल प्रशासन और लोकल गांव और लोगों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक करके वायु प्रदूषण कहां से ज़्यादा हो रहा है और उसको कम करने के लिए क्या हम मिलके कर सकते हैं, उसको लेकर एक स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया जाए। एंड रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन इज अ बिग चैलेंज, सो हाउ कैन वी कंट्रोल इट? आई थिंक इट इज़ अ बिग चैलेंज और इसमें सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर सकती है, इसमें सिविल सोसाइटी के लोगों को आना पड़ेगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें आना पड़ेगा, NGOs भी इसमें काम करें। एक्चुअली पूरा मामला ही अवेयरनेस का है, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, लोगों को पता नहीं रहता है। मैं झारखंड से आती हूँ, वहाँ कोल बेल्ट वगैरह है, आप देखेंगे कि वहाँ पे जो माइंस हैं उस एरिया में जो पत्थरों से कोयले निकाल के रखे जाते हैं जिसे जलाने पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उनको जो लोकल लोग होते हैं उनको अपने घर ले जाते हैं, घर के सामने इकट्ठा करके उसे पहले जलाते हैं, जला के कुकिंग के लायक बनाते हैं, उसके बाद उसको यूज़ करते हैं। तो जब जलाते हैं, ये जो दिल्ली का पराली वाला जो मुद्दा है, इससे बहुत ज़्यादा डेंजरस है वो, क्योंकि उससे ज़्यादा पॉल्यूशन उधर होता है, लेकिन चूँकि वो इंटीरियर में है, दिल्ली से दूर है, तो लोगों की नज़र नहीं पड़ती कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। तो उन इलाकों में भी काम करने की ज़रूरत है और इसीलिए ये जो हम लोग साथ में इतने सारे MPs यहाँ बैठे हैं, ये बहुत कारगर
है, क्योंकि एक दूसरे के एरिया के प्रॉब्लम को हम जान सकते हैं, वो लाइमलाइट में ला सकते हैं, और उसके लिए कोई ऐसी योजना बननी चाहिए कि हर जगह वो कारगर हो, ना कि सिर्फ दिल्ली और शहरों के लिए। और अवेयरनेस के साथ साथ कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं कि हम उन्हें कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। सपोज़ कि हम उनसे कहते हैं कि आप कोयला मत जलाओ, तो वो कहेंगे कि ठीक है, हमें आप दीजिए ईंधन दीजिए कि मैं उससे कर सकूँ। आप कहेंगे कि वन अधिनियम कानून है, आप जंगल से अगर कुछ उस तरह का कुछ ला नहीं सकते हैं। अभी उज्ज्वला गैस जो योजना थी वो भी लगभग फ्लॉप है, क्योंकि उसमें सबसे प्रॉब्लम यह आ रहा है कि गैस की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और जो गरीब हैं वो इतना पैसा देकर सिलेंडर नहीं भर सकते हैं।